दोस्तों हर्षद मेहता एक ऐसे व्यक्ति थे जो शेयर मार्केट के सबसे बड़े फ्रॉड के लिए जाने जाते थे, जिसने 1992 में इंडिया के प्रधानमंत्री पर भी रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया था। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हर्षद मेहता के बारे में, जो एक बार फिर उन पर बनी वेब सीरीज के कारण सुर्खियों में है। आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, शायद आपको हर्षद की कुछ ऐसी बातें पता चलें जो आप ना जानते हो। हर्षद मेहता का जन्म साल 1954 में हुआ था और 31 दिसंबर 2001 को हर्षद की हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई थी। इन्होंने अपनी स्कूलिंग रायपुर से की थी। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद हर्षद मुंबई आ गए, जहां उन्होंने लाला लजपत राय कॉलेज से बीकॉम कंप्लीट की। हर्षद को बिजनेस में काफी इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद बिजनेस की फील्ड में अपना कैरियर बनाने का फैसला किया। हर्षद पेशे से एक स्टॉक ब्रोकर थे। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हर्षद के कैरियर के बारे में। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद हर्षद मेहता ने धीरे धीरे लो लेवल जॉब्स की, जैसे गारमेंट्स और अप्लायंसेस बेचना। उस समय तक हर्षद भी ये नहीं जानते थे कि वे फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। कुछ समय बाद ही हर्षद को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में एज अ सेल्स पर्सन काम करने का मौका मिल गया। यहाँ हर्षद ने स्टॉक मार्केट की भरपूर जानकारी ली और बेहद ही कम समय में उन्होंने शेयर मार्केट की सभी बारीकियों को समझ लिया। आगे चलकर 1984 में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मेंबरशिप ले ली। 90s के दशक के आते आते हर्षद को पहचान मिलनी शुरू हो गई थी। लगभग हर अखबार और हर मैगजीन में हर्षद का चेहरा दिखाई देने लगा था। अब बड़े बड़े लोगों के साथ हर्षद का उठना बैठना था। ऐसा माना जा रहा था कि हर्षद मेहता किसी भी शेयर को खरीदते थे तो उसकी कीमत बड़ी तेजी से बढ़ जाती थी। इसी प्रकार हर्षद ने ACC के शेयर खरीदे। उस समय शेयर्स की कीमतें 200 रुपए थी, जो कि बाद में सीधा बढ़कर 9,000 रुपए तक चली गई। सभी लोग हर्षद की सफलता से काफी इम्प्रेस होते थे, वहीं दूसरी ओर उनकी सफलता का राज जानने की भी कोशिश करते रहते थे। और सभी ये सोचकर परेशान थे कि हर्षद आखिर ऐसा क्या करते हैं कि इनके शेयर्स खरीदने के तुरंत बाद इनकी कीमतों में इतना बदलाव आ जाता है। कुछ ही समय बाद टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर सुचेता दलाल ने हर्षद का भांडा फोड़ ही दिया। इसके बाद इन्होंने देबुशीष जी के साथ मिलकर इस पर द स्कैम किताब भी लिखी थी। हालांकि सुचेता काफी समय से हर्षद की हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थी और धीरे धीरे हर्षद के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। और आखिरकार सुचेता को 1992 में सफलता मिल ही गई। सुचेता को खबर मिली कि हर्षद मेहता 15 दिन के लिए बैंक से लोन लेते हैं और अगले 15 दिनों के बाद वो लोन चुका देते हैं। हालांकि हैरानी की बात यह है कि कोई भी बैंक 15 दिनों के लिए लोन नहीं देता। इस सब में हर्षद अपने तेज दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करता था। हर्षद की बैंकिंग सिस्टम में काफी जान पहचान थी। बैंक को जब भी पैसों की जरूरत होती है तो वो अक्सर सरकारी बॉन्ड को गिरवी रखकर दूसरी बैंकों से लोन लेते हैं, लेकिन असल में बॉन्ड लेन देन नहीं होता बल्कि एक रसीद से ही काम चल जाता है और ये सब बीच के लोगों के जरिए होता है। इन सब बातों की हर्षद मेहता को अच्छे तरीके से नॉलेज थी। हर्षद को कभी शेयर मार्केट के लिए पैसे की कमी नहीं रहती थी। इन्होंने इस पैसे को मार्केट में लगाया और करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया। इस रकम का अंदाजा ठीक से कोई भी नहीं लगा सकता। हर्षद का लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल गया था। इनके पास अब एक से बढ़कर एक लग्जरी कार्स की कलेक्शन थी और साथ ही साथ वे आलीशान बंगले के मालिक भी थे और बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना था, लेकिन ये सब अब लोगों को खटकने लगा था। भारत में शेयर मार्केट अब तेजी से इम्प्रूव हो रही थी। भारत में फॉरेन कंपनीज के बढ़ने से शेयर मार्केट में अचानक से ग्रोथ हो गई थी, लेकिन अचानक एक समय पर मार्केट का हाल बेहाल हो गया और शेयर मार्केट डाउन हो गई, जिसके चलते हर्षद मेहता बैंकों को पैसे लौटाने में नाकाम हो गए, जिसके बाद हर्षद मेहता कांड अखबारों और टीवी पर एयर हुआ। अब पूरे देश में हलचल मच गई। इस घोटाले की चर्चा अब पार्लियामेंट को होने लगी थी। आखिरकार इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के लिए एक टीम बनाई गई और CBI ने इस केस की जांच करते हुए हर्षद मेहता समेत इनके दो भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया। हर्षद मेहता के खिलाफ 70 से भी ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके थे। इसके बाद हर्षद मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस समय ये तक कह डाला कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी। धीरे धीरे हर्षद को हर केस से जमानत मिलना शुरू हो गई थी, लेकिन सन 2001 में हर्षद को एक बार फिर गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया था, लेकिन 31 दिसंबर 2001 को हार्ट अटैक के कारण हर्षद मेहता की मौत हो गई। RBI की रिपोर्ट के मुताबिक 1992 का ये घोटाला 4,025 करोड़ रुपए का था,
जिसमें सबसे ज्यादा SBI के साथ 600 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया था। इस मामले का खुलासा करने वाली टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर सुचेता दलाल को 2006 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं हर्षद मेहता की फैमिली से। हर्षद मेहता के पिता का नाम था शांतिलाल मेहता, इनकी माँ का नाम था रसीला बहन। हर्षद मेहता के तीन भाई थे जिनके नाम है अश्विन मेहता, तेज मेहता और सुधीर मेहता। हर्षद मेहता की बीवी का नाम था ज्योति मेहता और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम है अतुल मेहता। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हर्षद मेहता के इनकम के बारे में। हर्षद जिस भी शेयर को 200 या 300 की कीमत में खरीदते थे उसकी कीमत उनके खरीदने के बाद हजारों में बढ़ जाती थी, और ऐसे ही शेयर्स में इन्वेस्ट करते करते हर्षद करोड़ों रुपए के मालिक बन गए थे। और वे किसी भी शेयर को 200 रुपए में खरीदते तो उसे बाद में 9000 की कीमत में बेच देते थे, और 1986 में हर साल सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज से ही 100 करोड़ रुपए तक वे कमा लेते थे। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हर्षद मेहता की नेटवर्थ के बारे में। 2001 के समय हर्षद की कुल नेटवर्थ 9014 करोड़ रुपए थी, जो कि उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम है। यहाँ तक कि अगर इस दौर में भी देखा जाए तो 9014 करोड़ रुपए की नेटवर्थ दुनिया के अमीर लोगों में गिने जाने वाले लोगों के पास है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हर्षद मेहता के घर के बारे में। हर्षद अपनी फैमिली के साथ मुंबई के अपार्टमेंट में रहते थे। इनके इस आलीशान घर में हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी, और होती भी क्यों ना, इन्होंने इस घर को 30 करोड़ रुपए की मोटी रकम देकर खरीदा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके अपार्टमेंट में एक थिएटर और गोल्फ कोर्स जैसी सुख सुविधाएं मौजूद थी। इसके अलावा इनके घर में कई सारे लग्जूरियस बेडरूम्स, लिविंग रूम, प्रेयर रूम और एक आलीशान किचन था, और प्राइवेट स्विमिंग पूल भी था इनके अपार्टमेंट में। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हर्षद मेहता की कार्स कलेक्शन के बारे में। इनके पास एक लेक्सस LS 400 कार थी जिसकी कीमत है 40 लाख रुपए। इनके पास एक प्रीमियर पद्मिनी कार थी जिसकी कीमत थी 2 लाख रुपए। इनके पास एक इंडियन कॉन्टेसा क्लासिक कार भी थी जिसकी प्राइस थी 5 लाख रुपए। इनके पास एक हिंदुस्तान एम्बेसडर कार भी थी जिसकी कीमत थी 5 लाख रुपए। इसके अलावा इनके पास एक 1984 मारुति 800 कार भी थी जिसकी कीमत थी 3 लाख रुपए। तो ये थी इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आपको इनकी स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो कौन सी पर्सनैलिटी पर देखना चाहते हैं आप। Subscribe our channel and we hope that you like our videos, and also don't forget to visit our website celebritynews.blogspot.com which is shown in the video, and don't forget to follow us on Facebook and Twitter.